हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का गौरव झा फिटनेस में। तो हेलो, आज का हमारा है मसल बिल्डिंग का सीरीज, ठीक है। ये जो मेरे बिगनर भाई देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। भाई मसल बिल्ड करना है, मसल बनाना है, तो अब मैं डे टू डे सारा परफेक्ट रूटीन लेके आऊंगा। ये वर्कआउट रूटीन है आपका, जिसमें कि आप शोल्डर और बाइसेप साथ में ट्रेन कर रहे हो। मैं एक बंदे को कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म भाई, ठीक है। तो जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो इसको एक्सरसाइज सेम टू सेम करवा रहा हूँ, और उसमें जो रिजल्ट दिख रहा है आपको, पहले का वीडियो देख लो और अभी का रिजल्ट देख लो, तो वही अगर सेम चीज आप फॉलो करोगे तो आप भी उससे रिजल्ट निकाल सकते हो। तो आज का जो हमारा दिन है, शोल्डर और बाइसेप्स का मसल बिल्डिंग वर्कआउट है। मसल बन के आएगा आपका, मतलब हैवी बन के आएगा, जिस तरीके का आप चाहते हो। फैट लॉस के लिए नहीं है, मसल बिल्डिंग वर्कआउट है। शोल्डर प्लस बाइसेप्स करो अपने जिम में, और बेहतर से बेहतर अगर आप दिखना चाहते हो शोल्डर और बाइसेप्स के साथ, तो ये सारा रूटीन फॉलो करके आप बेहतर दिख सकते हो। करना क्या है, सेम टू सेम जैसे मैं बता रहा हूँ फॉलो करना है। रेप और सेट रखना है 3, वेट इंक्रीज कर करके बाकी सारा एक्सरसाइज सेम टू सेम आपको बस चिपका देना है। जिम जाना है, शोल्डर और बाइसेप्स डे है आपका, ये सारा एक्सरसाइज चिपकाओ, आपका शोल्डर बेहतर हो जाएगा और बाइसेप्स भी बेहतर हो जाएगा। फॉलो करो, और कोई क्वेश्चन बाकी एक्सरसाइज पूरा परफेक्ट बता दिया हूँ, फॉलो करो भाई, ठीक है। तो भाई हमारा सिंपल पहला एक्सरसाइज होने वाला है, सिंपल शोल्डर को कर लेंगे। वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है, वही सारा एक्सरसाइज मैं करूँगा, वही सेम एक्सरसाइज करवाऊँगा भाई को। सारा एक्सरसाइज आप लोग देखोगे और साथ साथ फॉलो करोगे। ये अभी कर रहे हैं अपने पूरा का पूरा अपने शोल्डर को वार्म अप कर रहे हैं और अच्छे तरीके से शोल्डर को एक्टिव कर रहे हैं। करना क्या है, लाइट वेट लेना है आपको, 2.5 kg, 5 kg, 1 kg, जितना जो भी आप बहुत ज़्यादा लाइट लगे उसको लेना है और ऊपर लेके आना है। सिंपल तरीके से आपको शोल्डर को पंप करना है, ये सिंपल। अब भाई देख रहे हो साथ, उसी को सेम सेम एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। और आज के दिन शोल्डर और बाइसेप्स लगना चाहिए कि आज कुछ किए हो मसल बिल्ड करने के लिए, मसल मास गेन करने के लिए। तो ये सारा वर्कआउट आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा मसल बिल्ड करने में, शोल्डर बिल्ड करने में, और आपके बाइसेप्स के मसल को बिल्ड करने में। तो ये हम पंप करने के बाद, आप लोग साथ 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 फॉलो करते रहो। पंप करने के बाद नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज होगा सिंपल शोल्डर प्रेस। शोल्डर प्रेस में क्या होता है, आप 3 सेट लगाओगे वेट बढ़ा बढ़ा के, ये ईजी होता है। इस एक्सरसाइज को समझना बस, थोड़ा सा समझने के टाइम पर थोड़ा सा आपको दिमाग खोल के रखना होगा कि भाई सिंपल आप इसमें एल्बो को ज़्यादा नीचे नहीं लेके आओगे, ठीक है, और प्रॉपर ऊपर तक लेके जाओगे, ऊपर जाके टकराना नहीं है। सारा का सारा जोर आपके शोल्डर पे पड़ेगा, शोल्डर के फ्रंट पार्ट भी इंगेज होगा इसमें अच्छे तरीके से। तो इस एक्सरसाइज को भी करना है 3 सेट, और तीनों सेट में 10, 12, 15 और या फिर 12, 15, 20, जो भी आपका जिस तरीके का भी आपका रिपीटेशन या सेट रखना चाहते हो उस तरीके से आप रख सकते हो 3 से 4 सेट शोल्डर प्रेस का। नेक्स्ट जो हमारा वर्कआउट होने वाला है वो होगा भाई हमारा सिंपल शोल्डर रेजेस, साइड रेजेस। साइड वाला शोल्डर नहीं बन के आ रहा है भाई, तो सिंपल साइड लैटरल रेजेस लगाएंगे हम बैठ के, जो मैं लगा रहा हूँ सिंपल। ये हमारा हो रहा है सारा का सारा शोल्डर का एक्सरसाइज, बस आप लोग साथ में ध्यान से देखते रहो और फॉलो करो। फॉलो करने के बाद बोलना कि इफेक्ट मिला कि नहीं। ये हमारा साइड के शोल्डर के लिए है, साइड का शोल्डर बेहतर हो के आएगा, और ये शोल्डर का एक्सरसाइज अभी सारा का सारा, तीनों एक्सरसाइज हमारा शोल्डर का ही है। और ये भाई भी सेम तरीके से कर रहा है शोल्डर साइड वाला पार्ट। अब इसका मैं अभी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, इस पर अभी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कुछ दिन में इस पर रिजल्ट देखने को मिलेगा कि क्या रिजल्ट मिला या नहीं मिला। खुद आपको इससे खुद का क्लियर हो जाएगा आपका कि एक्सरसाइज काम का है कि नहीं। सेम एक्सरसाइज अभी करवा रहा हूँ भाई को शोल्डर का, सिंपल साइड लैटरल रिजेस, थोड़ा सा इनमें एल्बो को थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बाकी सब करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा होने वाला है शोल्डर को अपने कॉलर से सेपरेट करना है और कॉलर को एक्टिव करना है, ठीक है। सारा का सारा फोकस हमारा होने वाला है शोल्डर को सेपरेशन के लिए, शोल्डर को सेपरेट करेंगे कॉलर के साथ। इसमें हम ले रहे हैं ये बाइसेप्स वाला जो जिग जैग रॉड होता है उसको लेंगे, उसमें वेट लगाएंगे, और वेट लगा के पूरा ऊपर लेके खींचना है शोल्डर स्क्वीज, पूरा ऊपर लेके खींचना है शोल्डर स्क्वीज। इससे क्या होता है, वेट को पूरा ऊपर लेके जा रहा हूँ, इससे क्या आपका कॉलर भी उठ के आता है और आपका शोल्डर भी बेहतर हो के आएगा। इस एक्सरसाइज को भी 3 से 4 सेट लगाना है भाई, आपका शोल्डर बेहतर होके आएगा। सारा एक्सरसाइज देखते रहो, फिर देखने के बाद फॉलो करो, क्योंकि जो सारा एक्सरसाइज मैं देख रहा हूँ वही इस बिगनर भाई वही इसको करा रहा हूँ, जो ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ इसको, इस पर ध्यान दे रहा हूँ। तो आप भी करना चाहते हो तो सारा एक्सरसाइज बस कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं, सेम फॉलो कर सकते हो। फिर उसका अचानक से आपका शोल्डर में मतलब अचानक से बोलने का मतलब है कि कम रेस्ट के साथ तुरंत आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, जैसा कि वो 3 सेट खत्म किए। 3 सेट खत्म करने के बाद आप वही रॉड पे, आपके पास वही रॉड एक्सरसाइज तुरंत किए रहोगे, उसी के साथ सिंपल सामने की तरफ फ्रंट रेजेस लगाएंगे इसके साथ। और जब खत्म होने वाला रहेगा, 5-7 रिपीटेशन बचा रहेगा, तब आप सुपर स्लो करके नीचे लाओगे, जिससे कि और ज़्यादा टेंशन हो और इस तरीके का पंप आपका शोल्डर पे बन के आए। जितना वो लिफ्ट हो, जैसे कि भाई से वो वेट नहीं उठ रहा है तो भाई सिर्फ रॉड के साथ ही कर रहा है, तो वेट नहीं उठे तो प्रॉपर फॉर्म हमारा प्रॉपर होना चाहिए। वेट चाहे जितना भी आप चाहो, कम से स्टार्ट करना चाहते हो, सिर्फ रॉड से स्टार्ट करना चाहते हो, आप बिल्कुल ही कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ। तो आप लोग साथ साथ देखते रहो और फॉलो करते रहो। अब इसको मैं एक्सरसाइज कराने के बाद अभी इसको मैं लेके आऊँगा सिंपल पीछे वाला शोल्डर का हिस्सा किस तरीके से ट्रेन होगा। तो आप इस तरीके से रोप पकड़ेंगे, क्या कहते हैं,
केबल क्रॉसओवर वाले मशीन पे रोप को इस तरीके से ऊपर टाइट टाई करेंगे और पूरा पीछे ले आके शोल्डर, इसमें आपका थोड़ा बहुत बैक भी एक्टिव होता है भाई, लेकिन हमारा बैक अगर एक्टिव हो रहा है और साथ में शोल्डर भी एक्टिव हो रहा है तो बेस्ट चीज़ है, हम अपने शोल्डर को एक्टिव कर लेंगे। और मैं अब खुद एक्सरसाइज करके नहीं बताता हूँ, भाई के साथ एक्सरसाइज करके बताता हूँ कि आप लोग सोचोगे कि इसका तो पहले से शोल्डर पंप है, पहले से इसका शोल्डर बना हुआ है, बट मैं अगर इसको दूसरे को बनवा रहा हूँ सेम एक्सरसाइज करके, दूसरे पर भी अगर फ़र्क ला रहा हूँ तो इसका मतलब ये एक्सरसाइज सारा कुछ काम का है और ये सारा एक्सरसाइज आपको रिजल्ट देने वाला है। तो इस एक्सरसाइज को देख रहे हो पूरा सामने सामने आपके नाक के सामने सामने तक लेके आना, इस तरीके से फोकस बना के आपके अपने हाइट के हिसाब से, जिससे कि आपका पूरा बैक शोल्डर आपका अच्छे तरीके से स्क्वीज होकर अच्छे तरीके से पंप होकर रिपीटेशन 15 से 20, 20 से 25। अब क्या करना है आपको, सिंपल वन हैंड वन साइड का, एक साइड का आप लगाएंगे साइड लैटरल एक्सरसाइज, जिसमें कि आप वेट के साथ साथ रिपीटेशन को बढ़ा सकते हो, 15, 20, 25 कर सकते हो, वेट जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे रिपीटेशन कम करते जाओगे। इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना है आपको स्टिल खड़ा होना, मतलब सीधा स्थिर, मतलब पूरा स्टेबल होकर खड़ा होना है, सीधा होकर खड़ा होना है, ज़्यादा बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो वजन उठेगा, जो भी आप केबल से उठा रहे हो वो सारा कुछ उठेगा आपके सिर्फ और सिर्फ शोल्डर के हेल्प से। सेम भाई को करवा रहा हूँ, अभी आपको फ़र्क नहीं दिखेगा उतना भाई पे, जब पूरा का पूरा वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा तब जाके आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट होगा कि हाँ भाई इस पर काम हुआ है तो इस पर क्या फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। बस अभी साथ साथ देखते रहो और फॉलो करते रहो, फॉलो करने के साथ आपको, फॉलो करने के लास्ट में आप एक दिन आप ट्राई करो शोल्डर और बाइसेप्स का, जिस दिन आप ट्रेन करना चाहते हो आपको कुछ उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो बस मेरे बताए हुए एक्सरसाइज को फॉलो करो, जिस तरीके से ये भाई को मैं फॉलो करवा रहा हूँ तब बताना कि रिजल्ट मिला कि नहीं। अभी क्या करना है आपको, केबल क्रॉस ओवर मशीन पे पिन कर देना है नीचे सेट पूरा का पूरा, ठीक है, और फिर रोप को सामने लेके आना है, आपका फ्रंट वाला शोल्डर चाहते हो अलग होके दिखे तो फ्रंट वाला शोल्डर इस एक्सरसाइज से आपका बिल्कुल ही अलग होके दिखेगा अलग, तो इससे आपका अच्छे तरीके से शोल्डर जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो रोप अगर लगाओगे तो बेहतर तरीके से आप शोल्डर को पंप कर रहे हो, ठीक है। और सारा एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ही सेम टू सेम इस भाई को परफॉर्म करा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को अंदाज़ा मिले कि हाँ भाई काम का एक्सरसाइज है, क्या हम करेंगे तो हमको भी सेम रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, तो सारा कुछ आपको इस एक्सरसाइज से बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा और आपका पूरा का पूरा शोल्डर पंप होने वाला है। और आपको पता है कि आज हमारा क्या चीज़ है, शोल्डर और बाइसेप्स डे, तो इस एक्सरसाइज के बाद हम चलने वाले हैं बाइसेप्स के ऊपर और करेंगे बाइसेप्स को भी तगड़ा, शोल्डर का काम हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे सिंपल जो हमारा बाइसेप जिगजैग रॉड से लगाएंगे, बाइसेप अंदर के अंदर वाले बाइसेप्स के लिए, इनर बाइसेप्स के लिए 15 से 20 रिपीटेशन, अभी तो 5 के साथ लगा रहे हैं, 5 के प्लेट के साथ, 5 के प्लेट के साथ फिर वापस 10 पे जाएंगे, 10 से फिर 15 पे जाएंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है रिपीटेशन किस तरीके से रख रहे हो नहीं रख रहे हो, और अगर आपका लाइट वेट है तो रिपीटेशन ज़्यादा रखोगे और जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा तो खुद ब खुद आपका रिपीटेशन कम हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टार्ट करना है सिंपल, ये तो जिगजैग बार पे तो आप लोग करते ही होगे बाइसेप्स को अच्छे तगड़ा करने के लिए, सेम एक्सरसाइज भाई को भी करवा रहा हूँ, ठीक है। भाई का थोड़ा सा वेट थोड़ा सा इसमें हैवी लग रहा है, आप लोग को अगर हैवी लगे तो सिंपल रॉड या फिर 2.5 kg ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेंथ कितना है, आपके पास कितना जान है, कितना आप उठा सकते हो आसानी से। फॉर्म गड़बड़ नहीं होना चाहिए, फॉर्म पर पूरा ध्यान होना चाहिए कि आपका फॉर्म बिल्कुल ही परफेक्ट बैठे, ऐसा ना हो कि आप एक्सरसाइज करते करते आप उठाने के चक्कर में पूरा बॉडी टिल्ट हो जाए, आपका पूरा मूवमेंट बेकार हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज होने वाला है सिंपल सीटेड बाइसेप कर लगाएंगे, बैठना है आपको, बाइसेप्स गोला होकर नहीं आ रहे, बाइसेप्स नहीं बन के आ रहे, करो तो सारा एक्सरसाइज एक बार करना स्टार्ट करोगे तो आपका सारा कुछ पूरा ही फट के बाहर आएगा, बेहतर दिखेगा, और जो चीज़ कर लिए वो शोल्डर तो बाइसेप्स करते हुए भी आपको दिखेगा शोल्डर का लाइनिंग कि हाँ भाई क्या चीज़ पंप हुआ है नहीं हुआ है, सारा कुछ क्लैरिटी के साथ दिखता जाएगा आपको कि आप लोग को भी संतुष्टि होगा, सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ भाई काम हो रहा है। और सेम एक्सरसाइज अभी करेगा वो भाई और उस भाई का भी शोल्डर देखना बाइसेप्स करते टाइम, और बाइसेप्स तो पंप होगा ही, तो 200% प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई त्रुटि देखने को नहीं मिलेगा। इसका भी देखो भाई शोल्डर का कट देखो पूरा का पूरा राउंड हो गया है और बाइसेप्स तो भी पंप हो ही रहा है, तो शोल्डर और बाइसेप्स का दिन है, तो आप भाई बस सेम फॉलो करते रहो और रिजल्ट का गारंटी मेरे पे छोड़ दो। खाना पीना बस अपने अच्छे तरीके से खाओ, जो भी आपका डाइट है सही प्रॉपर तरीके से लो, एक्सरसाइज मेरे पे छोड़ दो, रिजल्ट 200% आपको ही मिलने वाला है, ठीक है। अरे भाई देख रहे हो सिंपल लगा रहे हैं, सिंपल बाइसेप कर्ल सीटेड पे बैठ के लगाना है, बैठ के लगाने से क्या होगा और ज़्यादा टेंशन पड़ेगा आपके राउंडनेस पे, भाई गोला नहीं हो कह रहा बाइसेप जिस एक्सरसाइज से गोला हो जाएगा। इसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, रोप लेना है पूरा नीचे क्लिप करके ऊपर आके बाइसेप्स को ऊपर आके बाइसेप्स को सब। अब इस एक्सरसाइज को देखने के बाद आपको बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि भाई ये कौन सा एक्सरसाइज है, क्योंकि अगर कोई अनजान आदमी भी देखेगा कि कहाँ कहाँ का बॉडी फ्लेक्स हो रहा है, कहाँ का बॉडी इस तरीके से वो हो रहा है फ्लेक्स हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ बाइसेप्स फ्लेक्स हो रहा है। आपको पता है एल्बो को रखना है स्टिल, एल्बो में कोई मूवमेंट नहीं, पूरा ऊपर ले जाएंगे बाइसेप्स स्क्वीज। अब सेम एक्सरसाइज आप भाई करेगा परफॉर्म, और पंप देखो पंप आप थोड़ा बहुत शोल्डर के साथ अगर बाइसेप्स लगाते हो पूरा आर्म्स आपका बिल्कुल ही हैवी दिख के आता है भाई,
ठीक है। तो अब एक दिन शोल्डर और बाइसेप चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, वही सेम एक्सरसाइज भाई ऐड कर रहा है, ठीक है। और इसमें भाई का थोड़ा बहुत एल्बो मूवमेंट गलत हो रहा है, बट एल्बो मूवमेंट मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, बट आप जितना स्टिल रखोगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। जितना स्थिर रखो, ये देखो बाइसेप्स का भी राउंडनेस भाई का देखना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो चीज़ करो और उससे रिजल्ट नहीं मिले तो क्या फ़ायदा भाई एक्सरसाइज करने का या कुछ किसी भी तरीके का। रिजल्ट मिले आपको प्रॉपर फॉर्म के साथ करो, 2 सेट ही करो, 3 सेट ही करो, रिजल्ट मिलना चाहिए, चाहे पंप मिलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा भाई सिंपल, आप इंक्लाइंड तरह के इंक्लाइंड बेंच पे, इंक्लाइंड बेंच को ले जाओगे और आप वही पिन वेट जो भी है आप वहाँ पे लगाए हुए हो उसको सिंपल सिंपल रॉड से फिक्स करके पूरा ऊपर आके बाइसेप्स स्क्वीज। अब जैसे जैसे एक्सरसाइज में वेरिएशन डालते जाओगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट भी दिखता जाएगा कि एक्सरसाइज में किस तरीके का रिजल्ट हो रहा है, किस तरीके का पंप हो रहा है। अब आप बाइसेप्स देख लो और शोल्डर देख लो, सारा का सारा आपको बिल्कुल ही पंप दिखेगा, बेहतर दिखेगा, 200% रिजल्ट देने वाला सारा एक्सरसाइज है, जो कि आप लोग देखोगे फॉलो करोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। और सारा एक्सरसाइज इफेक्टिव है, कोई भी परफॉर्म कर सकता है, ध्यान देना है तो बस फॉर्म का, क्योंकि जिस भाई को मैं करवा रहा हूँ साथ में वो भी सेम एक्सरसाइज फॉलो कर रहा है और सेम रिजल्ट निकाल रहा है। तो आप भी देखो, इसका भी देखना भाई, अभी देखो एक्सरसाइज जैसे जैसे खत्म होने जा रहा है वैसे वैसे इसका पंप आपको खुद ब खुद दिख रहा है, किस तरीके से बाइसेप्स पंप हुआ, किस तरीके से शोल्डर पंप हुआ, सारा कुछ आपको क्लियर होके दिख जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। तो इस भाई का भी पंप देख के आप स्टार्ट कर सकते हो सारा एक्सरसाइज, इस भाई का भी पंप आप अच्छा खासा हो गया है बाइसेप्स शोल्डर पे। तो इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना है कि आपको एल्बो को पूरा नीचे छोड़ दोगे, कोई सपोर्ट नहीं, तगड़ा बाइसेप्स आपका खुद ब खुद पंप होके आ जाएगा भाई। अभी आ गया खत्म करने का उपाय, किस तरीके से एक्सरसाइज को खत्म करना है। तो साइड लेटरल जिस तरीके से आप ऊपर लेके जाते हो, आपको पूरा शोल्डर हाइट तक दोनों हाथ को ऊपर लेके जाना है। ऊपर लेके जाने के बाद आपको करना है वहाँ पे होल्ड, कुछ नहीं करना है, जितना टाइम कर सकते हो उतना टाइम होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करना है जितना, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना होल्ड कर सकते हो दबा के होल्ड करो बस। ये हमारा फाइनल एक्सरसाइज होगा जिसमें कि बस हमको होल्ड करने पे ज़्यादा फोकस करना है। और सेम चीज़ भाई करेगा, इसको भी होल्ड करने के लिए बोलेंगे, फ्रंट ला के या साइड पे कहीं भी होल्ड कर सकते हो, जहाँ पे जिस पार्ट पे आप चाहते हो ज़्यादा अच्छे तरीके से टेंशन क्रिएट हो, ज़्यादा अच्छे तरीके से पंप हो, तो साइड पे रखें, यहाँ पर रखें, होल्ड करेगा, आपका शोल्डर बेहतर तरीके से पंप हो जाएगा, पूरा का पूरा बाजू बेहतर, इसका खुद इसका फिजिक देख लो आप, अभी ये रखेगा तो इसका फिजिक देख लेना किस तरीके से क्या फिजिक इसका दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जैसे कि आप खुद सेटिस्फाइड हो जाओगे, ठीक है।